Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. आज हम knitting subject में CD206 में आज हम tubular cord बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो tubular cord बनाने के लिए हमें double pointed needles लेनी है, knitting needles. Double pointed means दोनों तरफ दोनों points हैं, आप ये देख सकते हैं. और जो सिंगल पॉइंटेड होती है उसमें एक तरफ पॉइंट होता है और एक तरफ नॉब होता है. और हमें जो ट्यूबुलर कॉर्ड बनानी है, या टब्यूलर भी कह सकते हैं इसे, तो इसे बनाने के लिए हमें डबल पॉइंटेड नीडल्स का यूज़ है. डबल पॉइंटेड नीडल सेट ऑफ 4 या 5 में अवेलेबल होती है मार्केट में, बट हमें ओनली 2 आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ अ कॉर्ड. सो सबसे पहले हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा था हाउ टू कास्ट ऑन. तो कास्ट ऑन करने के लिए पहले हम एक स्लिप लूप बनाएंगे इस तरह से, और इसे हम लेफ्ट हैंड वाली जो नीडल है उसमें हम कास्ट ऑन कर देंगे. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टिच जो हमारी निटिंग में फर्स्ट रो की फर्स्ट स्टिच होती है. ठीक है, अब हम थंब मेथड से हम केवल 3 स्टिचेस ही कास्ट ऑन करेंगे, नॉट मोर देन दैट. तो इसमें आपने ये हो गया सेकेंड एंड देन द थर्ड, ये हमने 3 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर दिए. ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे जिससे हमारी जो स्टिच है वो खुले नहीं. इस तरह से फिर हम एक बटरफ्लाई बना लेंगे. ये देखिए इस तरह से हमने बटरफ्लाई बनाया. और निटेड कॉर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको आप एज अ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ टाइंग भी और ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं. अब आप देखेंगे ये हमने 3 फंदे जो हैं 3 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर ली हैं इस डबल पॉइंटेड नीडल में. अब हम इनको निट स्टिच करेंगे. निट, तो निट का हमने देखा था विन द राइट हैंड नीडल जो है, हमारी राइट हैंड की जो नीडल है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे में इस तरह से आगे से इस तरह से इंसर्ट करेंगे. इस तरह से अब इसको हम निट करेंगे. 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया 3. ठीक है, अब इस ये आपके ये निट हो गया. निट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको पलटेंगे नहीं. इन 3 फंदों को हम, इन 3 स्टिचेस को हम नेक्स्ट एंड पे लेकर आएंगे, इस निटिंग नीडल के नेक्स्ट एंड पे लेके आएंगे. और अब हम वापस से इसको निट करेंगे. हम एवरी रो निट करेंगे और इसमें क्योंकि ये सर्कुलर है तो आप ये देखेंगे ये जो थ्रेड है ये बिल्कुल इस थर्ड स्टिच पर है यहाँ पर. ठीक है, और इसको हमें फर्स्ट के साथ जो निट करना है. अब हम इसको निट करेंगे वापस से. इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, उससे भी आप इसको निट कर सकते हैं. देखिए ये हो गया. फिर आप वापस इन 3 फंदों को यहाँ ले आए हैं नेक्स्ट एंड पे. नेक्स्ट एंड पे लाने के बाद हम वापस से इसको निट करेंगे. आप ये देखिएगा, ये धागा हमेशा ऐसे ही होना चाहिए. यान जो है वो हमारा ऐसे होना चाहिए. कई बार हम भूल भी सकते हैं, तो इसको उल्टा नहीं बुनना है. एवरी रो विल बी निट, निट स्टिच से आपको करनी है. देखिए इस तरह से. ठीक है, फिर वापस से इधर ले आए हम और हम वापस से ये देखिए वापस से ये धागा पीछे है और हम वापस से इसको निट करेंगे. फिर वापस से इधर आ गए और इसी तरह से ये आपको जितनी आपको जितनी भी साइज़ की कॉर्ड चाहिए 6 इंच 7 इंचेस या 10 इंचेस में, तो आप इसको और बनाते जाएंगे इसी तरह से.
अब आप ये देखेंगे ये बिल्कुल राउंड है, ये देखिए ये बिल्कुल राउंड है। इसी तरह से आपको ये पूरी प्रक्रिया दोहरानी है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये ट्यूबलो कॉर्ड की इतनी लंबाई मैंने निट कर ली है इतनी लेंथ में, और आप ये देखिएगा बिल्कुल ये राउंड है, ये बिल्कुल राउंड है। और इसमें हमने सिर्फ केवल 3 स्टिचेस ही कास्ट ऑन किए हैं। अब आप इसको कास्ट ऑफ कर सकते हैं जो लास्ट रो होगी हमारी निटिंग की, और इसको अब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 स्टिचेस से भी बनाई जा सकती हैं, यानी ये 3 स्टिचेस हैं, 4 स्टिचेस से भी बनाई जा सकती हैं। इसे डिफरेंट कलर्स में भी बनाया जा सकता है कि जैसे 1 इंच तक हमने रेड कलर यूज़ कर लिया, देन हमने येलो कर लिया, मल्टी कलर में भी कर सकते हैं और 2 कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी कॉर्ड है वो 2 डिफरेंट कलर्स में भी हो सकती है, और हम इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी फाइन बनी है, ये देखिए। और अगर आपको जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो आप इसमें जो हमारा कॉर्ड होता है वो भी आप डाल सकते हैं, जो हम केसिंग में डालते हैं या पजामाज में डालते हैं, तो वो कॉर्ड्स या डिफरेंट टाइप की मैक्रम कॉर्ड्स को भी इसके अंदर हम इंसर्ट करके इसको थोड़ी सी स्टिफनेस दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कास्ट ऑफ कर देंगे। तो कास्ट ऑफ जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम वापस से इसको इधर ही लेके आएंगे और इसको हम कास्ट ऑफ कर देंगे। कास्ट ऑफ का मतलब होता है इट्स लास्ट रो होता है, इसमें हम कास्ट ऑफ में फंदों को बंद कर देते हैं। हमने वापस से इसको निट किया, 2 स्टिचेस हैं हम उसको निट करके राइट हैंड नीडल को ले आएंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड नीडल से फर्स्ट फंदे को लिफ्ट करेंगे और इसे हम सेकंड वाले जो स्टिच है उस पर उतार देंगे। देन अगेन हम इसको निट करेंगे इस तरह से, और फिर हम वापस से इसको इस पर से उतार देंगे। इस तरह से हमारे ये सारे फंदे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ये देखिए। और जो लास्ट है, अभी ये हमारा फंदा क्लोज नहीं हुआ है, मतलब हमारी पूरी कास्ट ऑन ऑफ नहीं हुआ है, और इसमें से हम इस बॉल को इस तरह से निकाल देंगे इस लूप में से, ये देखिए। और इस तरह से ये जो लास्ट स्टिच है ये हमारी बंद हो जाएगी। फिर आप इसको ये कट कर लीजिए और ये आपकी ट्यूबलो कॉर्ड रेडी हो गई। थैंक यू।